लोगों को मेरी ओर से सबको स्वागतम कहूँ। तो आइए देखिए, हम लोग करम त्यौहार आज हम लोग सेक्रेट हार्ट पैरिश में मना रहे हैं। तो हम लोग आज का इसमें विशेष ध्यान देते हैं, कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा बड़ा भाई था और धर्मा छोटा भाई था। और आज हमें इसमें यही सीख मिलती है कि दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही परिश्रम करते थे। एक दिन ऐसा दिन आता है कि बहुत ही अकाल और बहुत ही भयंकर उस घटना विपत्ति में सब गुजरते हैं। उनके परिवार में खाने के लिए अनाज नहीं रहता है, तो दोनों भाई ने सोचे अपना परिवार को छोड़ के विदेश कमाने के लिए गए। वहाँ कुछ दिन कमाए और दोनों के हाथ में कुछ पैसा हुए तो दोनों भाई को अपना परिवार का याद सताने आया। और दोनों भाई वहाँ से विदेश से गांव की ओर वापस आ रहे थे। जब आते आते दोनों भाई थक गए और उन्होंने एक करम डाली मिला दोनों भाई को, और करम की डालियों में दोनों भाई विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद छोटे भाई धर्मा ने कहीं बाहर मैदान के लिए चले गए। उसका बड़ा भाई कर्मा को बहुत ही उसके ऊपर लालची और उसके कुछ वहाँ से जो कमाए थे उसके थैला में पैसा और बहुत कुछ था। उसका बड़ा भाई ने छोटा भाई का वहाँ से पैसा कौड़ी थैला से निकाल लिया। फिर वहाँ से दोनों भाई ने गांव की ओर वापस आ गए। जब गांव पहुँचते हैं तो कर्मा गांव के लोगों को बुलवाने के लिए वो गांव वाले को बुलाते हैं कि हम लोग को कोई स्वागत करे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आते हैं। बाद में धर्मा को भेजा गांव में, तो धर्मा ने गांव पहुंचा तो वहां पे देख रहे सातों भाई और सातों गोपनी कर्म की डालियों की उपासना करके वहां पर वो लोग ने नाच गान करने में वो लोग व्यस्त थे। तो बाद में कर्मा वहां पर पहुंचा, उसको बहुत ही गुस्सा लगा। मैं तो मेरा नाम खुद कर्मा है, तो ये लोग कर्म की डालियों को क्यों उपासना कर रहे हैं और क्यों यहाँ पे नाच गान में चालू है। उन्होंने हिंसा किया और इसी कर्म की डाली को उखाड़ कर सात समुद्र के उस पर फेंक दिया। बाद में क्या हुआ, धर्मा ने वो बहुत ही अच्छा था और बाद में कर्मा ने ऐसा कर्म की उसने अपमान किया। तो कुछ दिन बाद कर्मा के घर परिवार और कर्मा के जीवन में बहुत ही दुर्घटना आने लगी। बहुत ही उसके भविष्य में गलत गलत काम हुआ, बहुत ही उसके जीवन में उन्होंने हताश निराश हुआ। बाद में उन्होंने वही सात समुद्र उस पर कर्म की खोज के लिए उन्होंने जाने लगा। चलते चलते उनको बहुत ही भूख प्यास लगी और बाद में उन्होंने ये उसको आम खाने के लिए एक झाड़ मिला, तो आम खाने के लिए तैयार है तो आम के अंदर उसको कीड़ा मिला। फिर उसने वहाँ से हताश होकर आगे चले गए। जब उसको डुम्बार मिला तो डुम्बार के अंदर भी उसमें कीड़ा था, और जब वहाँ से भी और आगे चले जब उसको दूध मिला तो जब बल्टी भर के दूध था तो दूध को भी गाय ने लात मार के मेरे प्रिय भाई और बहनों दूध को भी गिरा दिया। कर्मा इतना हताश और बेचैन हो गया, उन्होंने पश्चाताप करने लगा कि मैंने मेरा जीवन में क्या किया। और उसने कर्म की डालियों वहाँ पहुँच कर जब मगरमच्छ मिला और कर्म की डालियों को जहाँ पर सात समुद्र उस पार था वहाँ से कर्म की डालियाँ को वापस लेके आया और कर्म की डालियों को पूजा किया और उसकी उपासना की, उसे पश्चाताप किया और जो भी उसका घटना घटा था, जो भी उसका वो नतीजा खराब था, जो भी नुकसान हुआ था, उपासना और पश्चाताप के वजह से सब वहाँ से वापस आ गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें जिस कर्म की डाली से यही शिक्षा मिलती है, कोई भी काम बुरी
विधायक है। विपत्तियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान की कृपा से सफलता मिलती है। मैं इतना ही चाहकर अंत करती हूँ। धन्यवाद।